हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, ये चाइना लोकल पीसीबी है और आप देख सकते हो ये पीसीबी मेरा पास मेरा दोस्त लेके आया। और ये पीसीबी का चारों डायोड शॉर्ट था, तीनों डायोड शॉर्ट था, वो चेंज किया। और चेंज करने का बाद तो दोस्तों वो सप्लाई देने का साथ साथ फिर भी वो जो फ्यूज़ वो काट जाता है, तो इसीलिए वो पीसीबी मेरा पास लेके आया। और ये पीसीबी का जो पावर ट्रांजिस्टर ये भी चेंज किया। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैं इसका सप्लाई दे दिया, ये सप्लाई लाइन है, आप देख सकते हो इसका अंदर ये जो लाइन जाता है, ये डायोड का जो चारों रेक्टिफाइड डायोड उसका पास ये जाता है, ठीक है। ये जो लाइन फिल्डर का कॉइल का बाद ये डायोड का पॉइंट है, और ये नेगेटिव साइड है और ये पॉजिटिव साइड है कैपेसिटर का, ठीक है। तो चलिए आपको सप्लाई देखिए एक बार दिखाता हूँ। और इसी तरह पावर रेडी करने के लिए आपको सीरीज लाइन से टेस्ट करना पड़ेगा। देखिए जब मैं सप्लाई दे देता हूँ, देखिए सीरीज लाइन साथ साथ जल जाता है, तो इसीलिए आइडेंटिफाई करना होगा कि इसका पावर सेक्शन का और कुछ प्रॉब्लम है, तो कौन सा पार्ट्स प्रॉब्लम है और कौन पार्ट्स चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह मैं बहुत वीडियो बना के रखा है पावर प्रॉब्लम के ऊपर, आप प्लेलिस्ट चेक करके देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज इस वीडियो में आपको जो फॉल्ट दिखाऊँगा कि कौन पार्ट्स फॉल्ट है, तो मीटर लेकर आपको थोड़ा सा चेक करके दिखाता हूँ। देखिए अब देखिए मैं मीटर को बार्जर रेंज पर सिलेक्ट किया है, और देखिए कैपेसिटर पर कुछ भी चार्ज स्टोर नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं बार्जर रेंज पर आके आपको ये जो पावर ट्रांजिस्टर ये भी वो चेंज किया, और ये ट्रांजिस्टर का बेस पिन का साथ देखिए एक थ्री एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिस्टर आपको दिखाता हूँ, तो ये ट्रांजिस्टर चेक करने का समय अब देखिए ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट देखा जाता है, 3807 के ट्रांजिस्टर है, ठीक है, 3807 का ट्रांजिस्टर है। यहाँ पर 2655 भी ट्रांजिस्टर यूज़ हो सकता है, ठीक है, बहुत कुछ ट्रांजिस्टर यहाँ पर यूज़ होता है। तो चलिए ये ट्रांजिस्टर को ओपन करके न्यू लगा के आपको दिखाऊंगा, और ये ट्रांजिस्टर ओपन करके भी आपको चेक करके एक बार दिखाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों बहुत वीडियो में बात है कि जब आउटपुट सॉरी मेन पावर ट्रांजिस्टर काट जाता है, तो काट जाने के बाद ये ट्रांजिस्टर को जरूर चेक कीजिए, मैं बहुत वीडियो में बात आया। तो आज प्रैक्टिकली ये पीसीबी आया है मेरा पास, मैं चेक करके आपको दिखाया, तो तभी ये ट्रांजिस्टर को ओपन करके भी आपको दिखाऊंगा। तो ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने के बाद भी पावर ट्रांजिस्टर दोबारा काट जाएगा, डायरेक्ट लाइन देगा तो, ठीक है। तो वो दो ट्रांजिस्टर उसका वो खुद शॉर्ट किया। तो चलिए इस टाइम ये जो ट्रांजिस्टर को ओपन किया, मैं पीसीबी से बाहर काट लेता हूँ, ठीक है, पीसीबी से बाहर किया, और ये ट्रांजिस्टर आपको मेजर करके आपको एक बार दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं मीटर को बार्जर रेंज पर सिलेक्ट करके ही रखा है, अब देख लीजिए, और ये देखिए ट्रांजिस्टर पूरा शॉर्ट हो गया, ठीक है, आपको दिखाता हूँ। देखिए अब थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको बहुत क्लियर करके दिखाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। तो देखिए ये साइड देखिए पूरा शॉर्ट, ठीक है। तो पावर क्लियर करके दिखाता हूँ दोस्तों, तब भी पावर ट्रांजिस्टर जब शॉर्ट हो जाएगा तो ये ट्रांजिस्टर को नियक लगा दीजिए, ठीक है। तो मैं ये ट्रांजिस्टर बाहर करके और ये अलग सा ट्रांजिस्टर लगाया, और चलिए इसका बाद आपको सप्लाई देके एक बार दिखाऊंगा, ठीक है, ये जो ट्रांजिस्टर है। और ये ट्रांजिस्टर ओपन करने का समय आप अच्छा करके ध्यान दीजिए कि इसका बेस कलेक्टर एमिटर जिस पॉइंट पर था वो सेम देख के आपको लगाना पड़ेगा, उल्टा हो जाएगा तो पावर ट्रांजिस्टर भी फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको सप्लाई देके वोल्टेज के साथ दिखाऊंगा, मैं सप्लाई दे देता हूँ, और सप्लाई तो मैं दे दिया, और उसके बाद आपको 110 वोल्ट लाइन एक बार चेक करके दिखाता हूँ कि ये पावर रेडी हो गया कि नहीं। देखिए इसके ESD सप्लाई देखिए 117 वोल्ट, ठीक है, ये ओके हो गया। तो लगता है कि अब पावर सब कुछ ओके हो गया। तो इसका अलग अलग जो आउटपुट वोल्टेज ये भी आपको चेक करके देखा था, देखिए 26 वोल्ट, हाँ 8.6 वोल्ट और 17 वोल्ट, ठीक है, ये सब कुछ वोल्टेज ओके है। तो चलिए आपको सप्लाई ऑन और ऑफ करके भी एक बार दिखाता हूँ। देखिए मैं ऑफ किया और दोबारा ऑन करके दिखाता हूँ, देखिए सीरीज लैम्प नहीं जलेगा जब पावर ओके होगा, और पावर का अंदर जब शॉर्ट होगा तो सीरीज लैम्प जल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए मैं ESD अभी ऑन हो गया, आपको दिखाता हूँ, देखिए
तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अपना है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों बहुत वीडियो में बात है कि सीरीज लाइन से आप पावर रेडी करने का समय जरूर 200 वाट सीरीज लैम्प से टेस्ट कीजिए, कि ये जो चारों डायोड होता है कुछ भी डायोड शॉर्ट होने से भी इस तरह प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। और ये जो PTC है, PTC वो फॉल्ट होने के बाद भी हो सकता है आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट, और ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने के बाद भी ये सीरीज लैम्प जल जाता है, ठीक है।